खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। हिंदुस्तान में भले ही इस वक्त 11:48 हो रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में अभी 11:30 नहीं बजे हैं, थोड़ा सा वक्त का डिफरेंस है। और अगले 10 मिनट के बाद वहां पर यह माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा, इमरान खान के खिलाफ संसद में फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा, जिसमें वोट डाले जाएंगे। विपक्ष ने हालांकि इसके पहले सांसदों के समर्थन वाली लिस्ट जो है वो आगे पहुंचा दी है। जरदारी, बिलावल भुट्टो फिलहाल संसद में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ से लेकर तमाम और जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं कई नेता। लेकिन अब बड़ी जानकारी यही कि अब से थोड़ी देर बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और पाकिस्तानी समय अनुसार 11:30 का वक्त यहां पर तय किया गया है। नेशनल असेंबली में पहुंचेंगे आज, इस्लामाबाद पूरी तरीके से सेना के हवाले कर दी गई है और आज सेना को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था का माहौल जो है वो बरकरार रहे। और उनका कहना, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में आज दरअसल पंजाब के गवर्नर को हटाया गया और इसी बात को लेकर यहां पर ये टिप्पणी आप सुन रहे थे जिनमें कहा गया, विपक्ष के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के जितने भी नेता हैं वो जो खुलकर इमरान खान के खिलाफ नहीं भी बोल रहे हैं वो भी विपक्ष के संपर्क में हैं। और यही वजह है कि इमरान खान जादुई आंकड़े से धीरे धीरे काफी दूर होते जा रहे हैं। लेकिन नेशनल असेंबली में तैयारियां पूरी हो गई हैं और यह कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान का इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा।